नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 483वां एपिसोड। आज 17 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह भाई आज भी आईपीएल क्रिकेट जगत के हवाले से दिनभर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। स्पेशली आईपीएल को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, कुछ टीमों को नए कोचेस मिले हैं, तो भाई कुछ टीमों की दिक्कतें बढ़ भी गई है। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अभी तक लाइक शेयर नहीं किया ना तो आईपीएल की कसम है आपको, आईपीएल की इसी तरह की सारी खबरें सबसे पहले पाते रहने के लिए, हर रोज पाते रहने के लिए लाइक शेयर करना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो लाल बटन नीचे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की पहली बड़ी खबर की। तो ये खबर मैंने सबसे ऊपर इसीलिए रखी है क्योंकि ये खबर बहुत जरूरी है। वुमेन्स आईपीएल से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों, ये स्मृति मंदाना ने दे दिया एक बड़ा बयान और ये बयान उन्होंने वुमेन्स आईपीएल को लेकर दिया है। दरअसल दोस्तों मंदाना ने ये कहा है, स्टार्टिंग द वुमेन्स आईपीएल विल हेल्प अस अ लॉट। उन्होंने साफ कह दिया कि वुमेन्स आईपीएल को शुरू करना बहुत जरूरी है और अगर यहां से वुमेन्स आईपीएल शुरू होता है तो ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है। और ये जो बयान आया है मैं इससे 100% सहमत हूं और मेरे हिसाब से बीसीसीआई को फुल प्रायोरिटी के साथ ये कप्तानी वप्तानी का चक्कर पूरा छोड़कर सबसे पहले वुमेन्स आईपीएल शुरू करना चाहिए क्योंकि वुमेन्स खिलाड़ियों के लिए यहां पर बहुत जरूरी है ये आईपीएल। अदरवाइज भाई वो बिग बैश वाले देख लो कितना आगे निकल गए, तीसरा चौथा वो लोग सीजन करा रहे, आईपीएल क्यों पीछे रहे भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की दूसरी बड़ी खबर की। डेल स्टेन की आईपीएल में एंट्री हो गई है। इस बार पिछली बार भी वो जुड़े थे बट एज अ कमेंटेटर क्रिकेट एनालिस्ट जुड़े थे, इस बार ये सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलिंग कोच का रोल निभाएंगे। तो नए बॉलिंग कोच एसआरएच के डेल स्टेन होंगे। इससे पहले ये एसआरएच की टीम के साथ एज ए प्लेयर भी एक जमाने में 2013-2014 के जमाने में खेल चुके हैं, तो इनकी एक तरह से हैदराबाद में घर वापसी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की तीसरी बड़ी खबर की। तो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से बीसीसीआई के हवाले से इस पर बड़ी रिपोर्ट आई है। बीसीसीआई दो नई टीमों की एंट्री के बाद एक ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी तो कराना चाहता है बट सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो इस बात की इजाजत नहीं दे रहे। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि जब से ये मुदगल कमेटी आई थी और जब से ये खुलासे हुए थे, फिर बैन लगा था राजस्थान चेन्नई के बाद, उसके बाद से ही बड़ी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी आईपीएल में। और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि इसमें जो पैसे बहाए जाते थे ओपनिंग सेरेमनी में उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही थी। बट अब तो सब कुछ सही हो गया, पर अभी भी वो ऑर्डर तो है और इसीलिए उस ऑर्डर के कारण ओपनिंग सेरेमनी, एक भव्य ओपनिंग सेरेमनी शायद इस बार भी ना हो। इस पर आगे जो भी रिपोर्ट आई है हम आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है आईपीएल में लखनऊ की टीम के हवाले से। दरअसल दोस्तों लखनऊ की टीम के हवाले से अब एकदम हम ये बोल सकते हैं कि 100% कंफर्म हो गया है कि एंडी फ्लावर ही इनके नए कोच होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि लखनऊ में ऑल्दो कंफर्म कर दिया है, सेट कर दिया है कि एंडी फ्लावर को ही कोच बनाया जाएगा। पहले पंजाब के साथ भी एंडी फ्लावर जुड़े थे, मतलब लखनऊ की जो बेसिस है वो तो क्लियर हो रहा है, लेकिन अहमदाबाद की टीम के बारे में कोई बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं आ रही है इनके कोच कप्तान कौन होंगे। तो उसको लेकर भी दोस्तों मेरे हिसाब से अहमदाबाद को भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की यहां से जरूरत है, वरना जो है आगे जाकर दिक्कतें होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की पांचवी बड़ी खबर की। कश्मीर के नासिर लोन आरसीबी की रडार पर भी आ गए। मुंबई इंडियंस का ट्रायल देने नासिर लोन आए थे, कश्मीर से ये आते हैं और कश्मीर के ये तीसरे चौथे प्लेयर आईपीएल में होंगे, लेकिन इनके मुंबई में जो ट्रेनिंग कैंप कह लेना ट्रायल कैंप का हिस्सा जब ये बने थे उसके बाद आरसीबी की भी नजर इन पर थी और आरसीबी भी इन्हें बुला सकती है। मतलब तीन चार टीमें इनकी यहाँ पोटेंशियल बिडर दिखाई दे रही है मेगा ऑक्शन से पहले। मतलब मेगा ऑक्शन में जो पूरा खाता वही है, उसका जो रिजल्ट है यही आ रहा, मेगा ऑक्शन में अच्छा खासा पैसा कश्मीर के इस खिलाड़ी नासिर लोन पर बरस सकता है। बरसना चाहिए नहीं बरसना चाहिए, आप इससे सहमत है या नहीं अपनी राय कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की छठवीं बड़ी खबर की। दोस्तों कप्तानी का जो भी मसला चल रहा है, चाहे वो विराट हो, रोहित शर्मा हो, बीसीसीआई इनके बीच, सौरभ गांगुली इनके बीच जो भी चल रहा है, और विराट और बीसीसीआई के बीच जो बयानों में कहने ना इनडिफरेंस दिख रहा है, उसका नुकसान आरसीबी को उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स दोस्तों यह है कि अगर ये जो तकरार है जो विराट कोहली और बीसीसीआई और सौरभ गांगुली के बीच चल रही है खत्म नहीं होती है तो विराट कोहली के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन तक लिया जा सकता है। साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद इस पर एक इंटीरियर फैसला हो सकता है। दरअसल दोस्तों जो मीटिंग
में हुआ था उसे विराट ने पब्लिक कर दिया था ये कहकर कि उन्हें हटाया गया कप्तानी से, उन्होंने छोड़ना नहीं चाहा। उसके बाद सोशल मीडिया पर स्टॉर्म आ गया और बीसीसीआई इससे खुश नहीं है। अगर विराट के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तो विराट की ब्रांड वैल्यू गिर सकती है और माइट बीसीसीआई विराट कोहली की इस तरह से ब्रांड वैल्यू को डेंट कर सकता है। सीधी बात है भाई, विराट की ब्रांड वैल्यू अगर डेंट होती है ना तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आरसीबी को होगा, क्योंकि आरसीबी की तो पूरी टीम ही विराट की ब्रांड वैल्यू के दम पे चल रही है। अगर विराट नहीं होंगे ना तो आरसीबी की कमाई नहीं होगी, क्योंकि विराट है, ब्रांड्स आते हैं उनको देखकर, तो ब्रांड वैल्यू की डेंटिंग यहां से पॉसिबल नजर आ रही है। मुझे तो भाई, मैं भगवान से बोल रहा हूं, ये मसला जल्दी से जल्दी सुलझ जाए, सब एक पन्ने पर आ जाए और मेन मकसद हो इंडिया जीत जाए। बाकी आप इस पर अपनी राय दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन की आठवीं बड़ी खबर की। तो दानिश कनेरिया ने बड़ा बयान दिया है, पाकिस्तान के दानिश कनेरिया, उन्होंने कहा है लास्ट चांस टू प्रूव हिमसेल्फ एज ए कैप्टन। कनेरिया ने विराट कोहली इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि विराट कोहली के लिए आखिरी चांस होगा अपने आप को कप्तान प्रूव करने के लिए। लेकिन मैं दिनेश कनेरिया, दानिश कनेरिया, जो भी उनका नाम, उनसे बोलना चाहूंगा कि आप अपने देश को देखें, यहाँ जो भी चल रहा है ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई मसला नहीं है और आई थिंक कि ये सुलझ जाएगा। और भाई आप लोग भी जितने भी देख रहे हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की। कपिल देव ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने भी यही कहा आप देश के बारे में सोचिए। दरअसल दोस्तों, एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कपिल देव ने इस पूरे मसले को, विराट कोहली वाली, बीसीसीआई वाली, कप्तानी वाली जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही, इस पर उन्होंने यही कहा कि भाई देश के बारे में सोचे, अब साउथ अफ्रीका दौरे में जाना है, कोई कप्तानी की बात कर रहा है, बोर्ड कुछ बात कर रहा है, खिलाड़ियों को लेकर चिंताएं हैं। तो कपिल देव का ये बयान है और इससे मैं 100% सहमत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन की दसवीं बड़ी खबर की। तो भाई पाकिस्तान सुपर लीग को लग गया है डेंट, और ये डेंट इस बार आईपीएल ने नहीं मारा, आईपीएल को, अब तो आईपीएल बहुत बड़ा हो गया भाई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग वालों ने इनको डेंट डाल दिया। पाकिस्तान सुपर लीग से तीन बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, फाफ डू प्लेसिस, मोइन अली और सुनील नरीन, इन तीन खिलाड़ियों का नाम है। पीएसएल से इनका नाम वापस लेने का सबसे बड़ा कारण है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग। ये तीनों ने पीएसएल से बेहतर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने का सोचा। जाहिर है वहां पर पैसे शायद ज्यादा मिल रहे होंगे, इसीलिए इन तीनों ने ये डिसाइड किया। बट जो भी मसला हो, नुकसान बड़ा हो गया भाई पीएसएल वालों को, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान की सरजमी पर हो रहा है, वैसे ही बड़े प्लेयर्स आने से थोड़ा सा झिझकते हैं, झिपते हैं। अब इसका क्या ये लोग हल निकालेंगे ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, हो सकता है बाद में और भी कुछ प्लेयर्स हो जो कि नाम वापस ने। खैर, ये तो दिन भर की दस बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताइए इनमें से कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, क्यों अच्छी लगी, क्यों नहीं। भाई यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, तो किस बात की तैयारी, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाइए।